सभी विद्युजनों को मेरा प्रणिपात। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। विद्युजनों, हजारों सालों से सनातन धर्म में शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा जाता रहा है, उसका पाठ किया जाता रहा है। ऐसी मान्यता भी है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की थी, वही रावण जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। रावण के बारे में ऐसी मान्यता है कि वो भगवान शिव का बहुत महान भक्त था। हालांकि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी उसके भगवान शिव के महान भक्त होने का वर्णन नहीं आता है, उल्टा ये आता है कि वो भगवान शिव से प्रतिद्वंद्विता रखता था। शुरुआती दौर में वो भगवान शिव को ही नीचा दिखाना चाहता था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में एक कथा आती है कि एक बार भगवान शिव से मिलने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए रावण कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में उसे नंदी भगवान मिल जाते हैं। नंदी भगवान कहते हैं कि इससे आगे तुम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भगवान शिव और पार्वती का वास है। रावण नंदी भगवान के चेहरे को देख करके, क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा सा वानर जैसा मिलता था, वो हंसने लगता है, मजाक उड़ाता है। भगवान नंदी क्रोधित हो जाते हैं और रावण को शाप देते हैं कि तुमने मेरे वानर जैसे मुख को देख करके मेरा मजाक उड़ाया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा वध भी जो होगा, तुम्हारा जो संहार होगा, उसमें वानर ही सहयोगी होंगे। पर रावण तो अहंकारी था, वो आगे बढ़ता है और जब वो देखता है कि वो कैलाश में नहीं जा सकता है, तो उसने सोचा कि वो कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों से उठा ले। वो कैलाश पर्वत को आधार से अपने हाथों से उठाने का प्रयास करता है तो कैलाश पर्वत हिलने लगता है। माता पार्वती कैलाश पर्वत को हिलते देख करके थोड़ी भयभीत सी हो जाती हैं और वो भगवान शिव के पास आके उनसे चिपक जाती हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और वो बस अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को नीचे की ओर दबाते हैं और कैलाश पर्वत स्थिर हो जाता है। लेकिन जब कैलाश पर्वत स्थिर होता है तो रावण का हाथ कैलाश पर्वत के अंदर दब जाता है। रावण उस दर्द से चित्कार करने लगता है, रोने लगता है, इतना रोता है कि कहा जाता है कि वहाँ पर एक सरोवर का निर्माण हो जाता है जिसे राक्षस ताल कहते हैं। कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के भूमि के नज़दीक ही एक मानसरोवर है और दूसरा राक्षस ताल या राक्षस ताल है। कहा जाता है वो ताल जो है, वो सरोवर जो है, रावण के रोने से, उसके आंसुओं से बना है। तो उसके रोने से वो राक्षस ताल बन जाता है। तब उसके नाना माल्यवान वहाँ होते हैं, वो कहते हैं कि देखो तुम भगवान शिव से क्षमा मांगो और उनकी स्तुति करो, शायद भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें इस कष्ट से मुक्त कर सकें। रावण इसके बाद स्तुति करता है और शिव तांडव स्तोत्र की रचना करता है और भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव उससे, उस कष्ट से मुक्त करते हैं और उसे नाम भी देते हैं रावण। रावण जो नाम है भगवान शिव का दिया हुआ है। इसके पहले वो दशानन या दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। उसके रोने की वजह से उसका नाम रावण पड़ा है। भगवान शिव उसे चंद्रहास खड़क भी देते हैं और कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कभी भी किसी निस्सहाय व्यक्ति पर नहीं करना, अगर निस्सहाय व्यक्ति पर करोगे तो वो गायब हो जाएगा। खैर, ये तो बात हुई रावण के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। इसके पहले भी ये माना जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव जो नृत्य करते हैं उसे तांडव कहा जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि केवल भगवान शिव ही तांडव नहीं करते हैं, अन्य देवी देवता भी तांडव नृत्य करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो शुद्ध सनातन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे किसी वीडियो के कंटेंट से समस्या है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा अनुरोध होगा कि आप डिसलाइक करने के बाद एक कमेंट ज़रूर डालें ताकि हम अपने कंटेंट में सुधार कर सके, उससे और भी ज़्यादा शास्त्र सम्मत बना सके। तो विद्वजनों, चलिए हम बताते हैं आपको कि तांडव का अर्थ क्या होता है और क्या तांडव केवल भगवान शिव ही करते हैं या और भी अन्य देवी देवताओं का संबंध भी तांडव नृत्य से है। मूलतः दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक तांडव है, दूसरा लास्य नृत्य है। लास्य नृत्य माता पार्वती करती है जो बहुत ही मधुर है। जब सृष्टि लय में होती है,
तो प्रकृति स्वरूपा माता पार्वती उसको संचालित करती हैं, और वो जो संचालन करती है तो उसमें जो एक रिदम बनता है, एक लय बनता है, उसमें उससे जो नृत्य पैदा होता है उसे लास्य नृत्य करते हैं। तो माता पार्वती जो नृत्य करते हैं उसे लास्य कहते हैं। लेकिन इस सृष्टि के लय में जहाँ भी कोई व्यवधान होता है, कोई गड़बड़ी होती है, कुछ उथल पुथल मचती है, तो भगवान शिव उस लय को प्रलय में बदल देते हैं। और जब लय को प्रलय में बदल देते हैं तो वो जो एक अव्यवस्थित क्रोधित और विभत्स रूप से जो नृत्य करते हैं उसे तांडव कहते हैं। तांडव शब्द तंदुल से बना है, तंदुल का अर्थ होता है उछलना। तो भगवान शिव अपने ऊर्जा से उछलते हैं, कूदते हैं और अनऑर्गेनाइज असंगठित रूप से जो नृत्य करते हैं उसे तांडव कहते हैं। भगवान शिव सृष्टि के विनाश के लिए आमतौर पर तांडव नृत्य करते हैं, ताकि जो सृष्टि के अंदर में जो व्यवधान उत्पन्न हो गया है उसे खत्म किया जा सके और फिर से सृष्टि का निर्माण हो सके और फिर से सृष्टि लय में चले और माता पार्वती फिर से लास्य नृत्य करें। लेकिन भगवान शिव केवल प्रलय के समय ही तांडव नृत्य नहीं करते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है जब भगवान शिव बहुत क्रोध में भरे हों और तब उन्होंने जो अव्यवस्थित नृत्य किया है, ऊर्जा से भरपूर नृत्य किया है, उसे भी तांडव कहा गया है। जैसे जब माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर देती हैं, तब भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिव माता सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर के पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं, और जब उस समय वो क्रोध से भर कर नृत्य करते हैं तो उसे तांडव कहा जाता है, शिव तांडव नृत्य कहा जाता है। इस समय जब भगवान शिव माता सती को अपने कंधों पे लेकर के नृत्य कर रहे थे, तांडव कर रहे थे, तो ऐसा लगा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तब ब्रह्मा और देवी देवता सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान शिव के इस नृत्य को रोके, क्योंकि भगवान शिव माता सती के शरीर के नष्ट होने के बाद मोहित हो गए थे। तो भगवान विष्णु अपने चक्र से माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े करते हैं और ये 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं वहीं आज शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। इन सारे शक्तिपीठों की स्थापना स्वयं आदिनाथ भोलेनाथ महादेव ने की है, इसलिए ये सभी शक्तिपीठ बहुत ही सिद्ध माने जाते हैं। इन शक्तिपीठों में कामाख्या, गया, उज्जैन और कामाक्षी और बहुत सारे अलग अलग शक्तिपीठ हैं जहाँ माता सती के अलग अलग अंग गिरे थे। इसके अलावा अंधकासुर का वध करने के बाद भी भगवान शिव ने क्रोध में आकर के उसके शरीर के ऊपर जो नृत्य किया था वो भी तांडव नृत्य ही था। ये तो बात हुई भगवान शिव के तांडव नृत्य की, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान शिव ही तांडव नृत्य करते हैं। भगवान शिव के अलावा माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवान श्री राम, भैरव सभी नृत्य करते हैं। भगवान श्री राम ने जो तांडव नृत्य किया था उसके बारे में मान्यता है कि रावण के वध के बाद भगवान राम का क्रोध समाप्त नहीं हो रहा था और उन्होंने तांडव नृत्य किया था। इस तांडव नृत्य पे एक महान आचार्य भगवदानंद जी ने एक रचना की है श्री राम तांडव की, पर ये आमतौर पे किसी भी प्रामाणिक जो हमारे राम कथाओं के ग्रंथ है उसमें नहीं मिलती है, पर लोक कथाओं में ऐसी कथाएँ हैं कि श्री राम ने भी तांडव नृत्य किया था। इसके अलावा हमारे जगत गुरु भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी श्री दुर्गा तांडव की रचना की थी, जिसमें माता दुर्गा को तांडव नृत्य करते दिखाया गया है। गणेश जी भी तांडव करते हैं और भैरव जो नृत्य करते हैं, जो शिव के गण हैं या शिव के अवतार हैं, वो भैरव भी जब नृत्य करते हैं तो वो क्रोध में नृत्य करते हैं और उस नृत्य को भी तांडव नृत्य कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा, लेकिन मैं जाते जाते आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी कथाओं को या ऐसी शास्त्र सम्मत बातों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.shuddhsanatan.org। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बताता हूँ आपको, www.shuddhsanatan.org। आज के लिए इतना ही सभी विद्वजनों, मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा कुछ शास्त्र सम्मत नए विचारों, नई बातों को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणिपात।